IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानना, और फंक्शनल ग्रुप्स क्लास 10th के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं वो यहाँ पर मैं बोर्ड्स पर लिख देता हूँ, वो ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला है हेलो ग्रुप, ओके, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में सिर्फ दो दिए गए हैं, एक तो CL एंड अनदर इज BR, CL एंड BR। ये बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रुप है, ये किसी के साथ अटैच होना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट, अच्छा इनके लिए लिखेंगे क्या वो भी ध्यान से देखिए। अगर CL और BR दिया गया है तो आप लिखेंगे क्या, CL के लिए हम लिखते हैं क्लोरो एंड BR के लिए लिखेंगे हम ब्रोमो, ओके। फॉर CL क्लोरो, BR के लिए ब्रोमो। नेक्स्ट एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप कौन से हैं, OH इस तरह से लगा नजर आएगा आपको, OH लिखा हुआ, तो इसको एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, और इसको लिखते समय लास्ट में सफिक्स में हम OL यूज़ करते हैं, OL। ये हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से लगाते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, अभी सिर्फ आप देखते रहिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ओके। नेक्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ओके, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको दूसरी तरीके से लिखने का तरीका क्या है, अगर इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर टाइप का बनाया जाए, थोड़ा खोल दिया जाए, तो ये ऐसे लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से C के साथ डबल बॉन्ड में हो जाएगा और H जो है वो सिंगल बॉन्ड में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है खाली है, ये ऐड, ये जुड़ना चाहता है किसी से, ये देखिए सभी में लगा हुआ है ना, ये बॉन्ड जो है सभी में लगा हुआ है, इसका मतलब ये अटैच होना चाहता है किसी के साथ। एल्डिहाइड का तो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, दीज आर ग्रुप, है ना, ग्रुप हैं ये, और ग्रुप जो है वो किसी के साथ अटैच होंगे। तो देखिए COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ऐसे लिखते हैं COOH, है ना, और इसको अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, C के साथ डबल बॉन्ड में O जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड में OH आता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। इसमें लास्ट में अल लगाते हैं सफिक्स में, AL, इसमें लगाते हैं ओइक एसिड, इसमें लगाते हैं ओइक एसिड, ओके, ओइक एसिड, ये आपको समझना है, ठीक है। इसमें लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, एल्डिहाइड मींस अल, एल्कोहल ऑल, और हेलो ग्रुप में क्लोरो और ब्रोमो दो चीज़ें दी गई हैं, इनका यूज़ करेंगे हम लोग। तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, और वहाँ पर नेमिंग भी बता दी है, ठीक है, उसका यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, वो भी फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं। इन, एन और आइन, ये सब फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सब आपके फंक्शनल ग्रुप में ही आएंगे, लेकिन उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है, तो वो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके बारे में बात की जा रही है। अब फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, सिर्फ इतने ही फंक्शनल ग्रुप्स नहीं हैं, इससे ज़्यादा हैं। क्लास 11th और 12th में आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने को मिलते हैं, अभी सिर्फ 10th में इतना ही है, तो इसको आप समझना है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, दीज आर एटम्स
these are atoms and group of atoms, these are atoms or group of atoms which decides the property of compound. Okay, मतलब किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, अगर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो उस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अल्कोहल टाइप की ही होंगी। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें एल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टीज होंगी, और उसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो इसी की प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा प्रॉपर्टीज भी उसी की शो करेगा। और ये जुड़ते कहाँ हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, इनको जुड़ने के लिए कुछ चाहिए, किससे जुड़ेंगे ये, है ना। तो ये जुड़ते हैं एल्काइल ग्रुप से, मैंने आपको पहले बताया है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अगर किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बन जाता है एल्काइल ग्रुप, है ना। जैसे मान लीजिए CH4 है और CH4 से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन जाएगा CH3, और इस तरह से अब ये ग्रुप बन गया, बात समझ रहे हैं। CH3 अब ये ग्रुप बन गया, बात समझ रहे हैं, अब ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब ये इसमें कुछ भी जुड़ सकता है, उसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है इसके साथ। तो एल्काइल ग्रुप के साथ ही ये फंक्शनल ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, ये जोड़ दिए, ये इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ये आपको सीखना है, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए ज़रा आप, CH3 ओके, सो एल्काइल ग्रुप में आप एल्काइल ग्रुप में ऐड करेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स को, और एल्काइल ग्रुप में जब इन फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड करेंगे तो उस एल्काइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप की खुद की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, वो एल्काइल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप आप ऐड कर देंगे वैसे ही प्रॉपर्टीज वो शो करने लगेगा। एल्कोहल अगर ये ग्रुप ऐड कर देंगे, अगर मैं इसमें CH3 में, ये CH3 एल्काइल ग्रुप है, इसमें अगर मैं OH ऐड कर देता हूँ, ये है ना, तो अब ये एल्कोहल हो गया, तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसमें अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देता हूँ तो ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। इसमें अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड कर देता हूँ तो अब ये एसिड बन गया, है ना। मतलब यहाँ पर ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड की, और यहाँ पर ये एसिड, है ना। और इसके साथ अगर आपने क्लोरो या ब्रोमो लगा दिया तो ये इसी की प्रॉपर्टी शो करेगी, जैसे CH3Cl, तो ये हैलाइड बन गया, है ना, हैलाइड बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, ये एल्किल हैलाइड की, ये एल्किल और ये हैलाइड, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं, इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से, बात समझ रहे हैं। तो दीज आर एटम्स, देखो ये एटम भी हो सकते हैं, एक सिंगल एटम है ना, और या फिर और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स के ग्रुप भी हो सकते हैं, यहाँ तो 1, 2, 3 एटम्स हैं, है ना, तो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, है ना, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स लगाकर हम नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC की नेमिंग क्या है, कैसे की जाती है, वो देखते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से, या हेलो ग्रुप से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप में दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, CL BR। CL के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, क्लोरो, BR के लिए ब्रोमो,
सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं पहले से बेटा, CH3Cl है ना, मिथाइल लिया हमने एक कार्बन वाला, इसी तरह दो कार्बन वाला ले लें C2 इथाइल, इसके साथ भी आप Cl जोड़ दीजिए, C3H8 होता है ना भाई, अगर एल्केन निकालेंगे तो क्या बनेगा, C3H8, 8 में से एक कम कर दो तो ये प्रोपाइल बन गया ना, इसके साथ जोड़ दीजिए, मान लीजिए आपने Br जोड़ दिया है ना, C4H10 होना चाहिए था, अगर एल्केन होता तो 10 होता है, यहाँ पर इसको ब्यूटेन कहते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहाँ 9 हो गया, और आप जोड़ दीजिए है ना। अब क्या नाम होगा इसका, IUPAC नेमिंग क्या होगी, देखिए IUPAC नेमिंग करते समय इनकी जो नाम है, ये Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो, इसको आगे लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, सिर्फ इसी में ऐसा है, इसमें इसको आगे लिखेंगे ब्रोमो, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, क्लोरो है, ठीक है, क्लोरो क्लोरो, और कितने कार्बन हैं ज़रा देखिए आप, नंबर ऑफ कार्बन चेक किए, सिर्फ एक है, एक कार्बन मतलब मीथेन है ना, ये बताया गया है, एक कार्बन मीथेन, दो कार्बन इथेन, सबको बताया है, एक कार्बन मीथ है ना, सीधा आप याद रखेंगे, मीथेन कार्बन दो होंगे तो इथेन, कार्बन तीन होंगे तो प्रोपेन, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कार्बन चार है ना ब्यूटेन, कार्बन पाँच पेंटेन, यहाँ पर सब एन ही लगेंगे, ध्यान रखें आप, सब एन, सब में एन लगाएंगे आप, क्लोरो मीथेन, इसका नाम हो गया क्लोरो मीथेन। अब इसको देखिए, यहाँ भी सीएल लगा हुआ है, लेकिन कार्बन कितने हैं यहाँ पर, दो, दो कार्बन वाले क्या बोलते हैं, इथेन, तो ये हो गया क्लोरो इथेन, ओके क्लोरो इथेन। इसको देखें, यहाँ पर तीन कार्बन हैं, ये ब्रोमो लगा हुआ है, Br ब्रोमो, तीन कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन है ना, ब्रोमो प्रोपेन, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ब्रोमो है, कार्बन कितने हैं ज़रा चेक कीजिए, फोर कार्बन से क्या हुआ, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरह से ये IUPAC नेमिंग है, हेलो ग्रुप अगर अटैच है तो, हेलो ग्रुप अटैच होगा तो इस तरीके से IUPAC करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए ज़रा, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अब हम लेते हैं दूसरा अल्कोहल ग्रुप लेते हैं, चलिए यहीं पर मैं बना देता हूँ, अल्कोहल ग्रुप क्या है, अल्कोहल ग्रुप बेटा OH सफिक्स में ऐड करते हैं, OH ये लगाते हैं हम लोग, ग्रुप है ना, अभी सफिक्स में हम लोग OL ऐड करेंगे, सफिक्स जो लगाते हैं, सफिक्स मतलब एंड में लगता है, लास्ट में लगता है, ये जो शुरू में लगा दिया गया है तो इसको सफिक्स नहीं बोल सकते, ऐसे बोलेंगे प्रीफिक्स है ना, शुरू में फिक्स किया गया, प्रीफिक्स है ना, तो शुरू में फिक्स कर दिया इसको, प्रीफिक्स याद रखें आप, ये प्रीफिक्स है, मोस्टली जितने भी अल्कोहल, जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब सफिक्स में लगते हैं, मेन जो ग्रुप्स होते हैं, तो ये सफिक्स में लगेगा, इसमें सफिक्स में हम लोग जोड़ते हैं OH, OL, OL, ऑल, यहाँ से याद रखो ऑल, इसमें भी देखो ऑल आता है, अल्कोहल में ऑल आता है, ऑल अल्कोहल है ना, ऑल। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जो दिए गए CH3 के साथ लगा दिया हमने OH, ये बॉन्ड आप लगाएं या ना लगाएं आपकी इच्छा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट लीजिए है ना, इसी तरीके से C2H5 OH, C3H7 OH, C4H9 OH, अब IUPAC क्या होगा इनका, देखिए मैंने आपको बताया है कि ये सफिक्स में इनका नाम आएगा, ये सफिक्स में जोड़ा जाएगा, पहले तो आप इसका बताइए, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, चलिए लिखिए मीथेन, लिखा हमने, ठीक है क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, इस ई को हटाओ यहाँ से, इस ई को हटाओ और ये जोड़ दो OL, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, हमें सिर्फ क्या ई को हटाना है, OL जोड़ देना है,
अब पढ़ेंगे क्या, मीथेनॉल है ना, अल्कोहल बन गया ना, इसको बोलते हैं इथेन है ना, दो कार्बन वाले को इथेन, ई टी एच ए एन ई, अब ई यहाँ पर लगा हुआ है, ई हटा दिया हमने, क्या लगा दिया ओ एल, क्या बोलेंगे अब इथेनॉल है ना। अब वैसे इसको देखो तीन है तो क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल, चार हैं क्या बोलेंगे ब्यूटेनॉल, इस तरह से इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल है ना, मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओएल लगाया है मैंने, ई हटाया ओएल हटाया लगाया, ध्यान समझिएगा, ई हटाया ओएल लगाया, ई हटाया ओएल लगाया, आप भी यही करेंगे, ई हटाएं ओएल लगाएं, समझ में आ गया। ये आपने हेलो ग्रुप समझ लिया, अल्कोहल ग्रुप समझ लिया, दोनों समझ में आ गए होंगे, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। इसके आप आगे भी जा सकते हैं, फोर के आगे फाइव, पेंटेनॉल हेक्सेनॉल हेप्टेनॉल, वो आप खुद बना सकते हैं, सिंपल आपको एल्काइल ग्रुप ही बनाना है। अच्छा, इसमें से किसी एक का मैं स्ट्रक्चर ओपन कर देता हूँ, चलिए मैंने ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर खोलता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं सभी लोग देखें, सभी लोग बताएं, चार होते हैं, ठीक है भैया, ओके डन। ब्यूटेनॉल ओएल लगा हुआ है, क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है, नाम दे देते हैं फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी कभी फॉर्मूला देते हैं नाम पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब चार लगे हुए हैं, ठीक है, ब्यूटेन में चार होते हैं, ऑल आपने देख लिया, ऑल देखते ही आपने कहा कि भैया OH लगा दो इसमें, ठीक है लगा दिया OH लग गया, अब तो क्या बैलेंस कर दो हाइड्रोजन को, बैलेंस ही देखते रहो कार्बन की, वन टू थ्री फोर, कार्बन की फोर होगी, इसकी चेक करो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इस तरह से बैलेंस ही चेक किया करो है ना, वन टू थ्री फोर, इसकी भी देखो वन टू थ्री फोर है ना, तो ये बैलेंस ही बराबर होनी चाहिए। अब फॉर्मूला चेक कर लीजिए, यही बनेगा, सी फोर है ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हाइड्रोजन है और OH है साथ में, तो इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप हमारा जो है उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे हम, है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को मैंने आपको कैसे बताया, सी एच ओ लिखा होगा, सी एच ओ पढ़ते क्या है, इसमें लगाएंगे क्या सफिक्स, अगर लगाएंगे तो अल, एल्डिहाइड में देखो ए एल लगा शुरू में, देखिए अल, अल लेंगे, अल्कोहल में ऑल लेते थे, एल्डिहाइड में अल है ना, अल लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से है ना, सी एच थ्री। अब देखिए अगर मुझे एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है, ध्यान समझिएगा, इसमें तो पहले से ही कार्बन है, तो अब सी एच थ्री तो यूज़ नहीं करेंगे हम, है ना, इसमें तो पहले से ही कार्बन है, तो देखिए ज़रा एक कार्बन ही है, एल्डिहाइड ग्रुप को लिखते कैसे हैं मैंने अभी सिखाया था, इस तरह से लिखते हैं ऐसे, कहो हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं, हाँ यस गुड, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने दिखाया था ओपन चेन स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का, ऐसा एक कार्बन है ऑलरेडी पहले से ही, बैलेंस ही पूरी करो इस कार्बन की, तो यहाँ पर कुछ जोड़ दो, तो यहाँ एच जोड़ दीजिए आप, तो हो गया एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ना, वन कार्बन वाला एल्डिहाइड ये हो गया, ठीक है सबसे पहला एल्डिहाइड, तो नाम क्या होगा, एक कार्बन में क्या होता है मीथेन, ये होता है, इस ई को हटाओ और क्या लगाओगे, वो सामने देखो क्या लगा हुआ है, ए एल मीथेनल। अब इसी तरीके दो कार्बन वाला लेना है आपको, दो कार्बन वाला, दो कारण वाला, तो फिर आप उसी तरीके से स्टार्ट करिए, एक ये ग्रुप लिया और एक तो सी ये, इसमें मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ है, दो हो गए कार्बन, एक दो, इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना, यहाँ पर तो भाई एक ही कार्बन चाहिए था, तो हमने सीधे इसे ही ले लिया, इसी को पकड़ लिया, दो हो गए और ले लिए सी एच थ्री सी टू एच फाइव सी एच ओ सी थ्री एच सेवन, वन मिनट, ये ऐसे
देखो ये तो हो गया आपका CH3CHO, दिख रहा है ना आपको, क्या नाम होगा इसका? दो कार्बन है बताइए, इथेन होता है दो कार्बन में, ठीक है। इसी को हटाओ, क्या लगाओगे? अल। अब तीन कार्बन वाला लेना है तो आपको सिंपल सी बात है, तीन कार्बन चाहिए होंगे। चलिए आप ऐसे सीख लीजिए, बहुत सरल तरीका है, ज़रूरी नहीं रटा मारें आप। तीन कार्बन चाहिए, एक दो तीन। अब इसमें से एक कार्बन तो एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया, चलिए ग्रुप लगा दीजिए, ऐसे सीख लीजिए ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना भी सीखिए आप, ठीक है। एक कार्बन के साथ ग्रुप लग गया, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 बैलेंसी फोर हो गई, 1 2 3 4। देखो दो बॉन्ड यहाँ हैं, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, हो गए चार कार्बन की, चार ही होने। 1 2 इसकी भी देखिए फोर हो गई, 1 2 3 4 क्लियर है। इसकी भी देखिए 1 2 3 4 इसकी भी क्या हुई, क्लियर हो गई है ना। अब फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, इससे नाम क्या होगा देखिए ज़रा, तीन कार्बन है तो क्या हुआ, प्रोपेन, प्रोपेन ई आया, ई हटा दो यहाँ से, क्या लगा दोगे, अल है ना। तो इस तरह एल्डिहाइड ग्रुप देखिए, ये देखिए पहचान है इसकी, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3CH2CHO। CH3 तो ये हो गया, CH2 ये हो गया, CH2 है ना, और CHO ये हो गया प्रोपेनॉल। इसी तरीके ब्यूटेनॉल लेना, फिर से ले लो चार कार्बन ले लो, चलिए चार ले लिए हमने, ब्यूटेनॉल बनाना है अगर आपको, फिर क्या करें, एक कार्बन पे आप क्या लगा दें ग्रुप। अब ज़रूरी नहीं है बच्चे सबसे सर ऊपर ही लगाएंगे, आप यहाँ भी लगा दो, आपकी इच्छा है ऐसे लगा लो, आपकी इच्छा ऐसे। अच्छा एक ग्रुप रह गया है, वो थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, कीटोन ग्रुप, उसको बारे में भी थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अभी बता दूंगा कीटोन के बारे में भी। चलिए तो ये इस तरीके से बैलेंस कर लिया, वो भी आपके कोर्स में है कीटोन ग्रुप, देखिए बैलेंस हो गया ना, देख लीजिए आप, चार बैलेंसी होनी चाहिए इसकी, देखिए 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 इसकी देखिए 1 2 3 4 है ना, इसकी देखिए 1 2 3 4 ध्यान से समझिए है ना, हो रहा ना क्लियर। चार कार्बन तो ब्यूटेन, देखिए प्रैक्टिस से आती हैं ये चीज़ें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो कि सर ने समझा दिया बस हो गया, ऐसा नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने की, नेमिंग लिखने की, ये सब आना चाहिए आपको। ब्यूटेन और अल, ए एल ब्यूटेनल, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप याद रखना है बस आपको, और काम करते जाना है। इसको भी आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH3 अगर इसको लिखना चाहें, CH3 इसको क्या लिखेंगे, CH2 इसको क्या लिखेंगे, CH2 और ये CHO, इस तरह से है ना। और अगर आप देखें तो फॉर्मूला क्या हुआ, 1 2 3 तीन तो ये कार्बन हुए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 2 7 C3H7CHO है ना, ब्यूटेनल, इस तरह से आसान है, सब कुछ कर सकते हैं आप, देख लीजिए मैंने तीनों तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी बता दिया, ऐसे भी और इस तरह से भी, देख लीजिए एक बार। अब आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको CO इस तरह से लिखते हैं बच्चों, C के साथ डबल बॉन्ड में O जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड में OH, एल्डिहाइड में सिर्फ यहाँ पर H था, O नहीं था, इसमें O भी आएगा H भी आएगा है ना। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं COOH है ना, दो O आ गए इसमें, एल्डिहाइड में सिर्फ एक O था और एक H था, इसमें दो O आ गए। इसमें बोलते क्या हैं, सफिक्स में नाम लिखते समय क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ये एसिड है इसलिए एसिड तो लिखना ही पड़ेगा, और ओइक लगाते हैं हम लोग, ओइक, ठीक है। चलिए दो कार्बन से स्टार्ट करते हैं, पहले चल पहले फर्स्ट कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं, एक कार्बन तो ऑलरेडी इसमें है, कोई टेंशन नहीं, इसी को ले लो जो लिखा हुआ है, बैलेंस ही देखिए कार्बन की, 1 2 3 एक और कम है तो यहाँ लगा देंगे एच,
तो ये क्या बना मालूम है आपको, ये बना है ध्यान से देखिए H सी ओ ओ एच, एच सी ओ ओ एच, एच सी ओ ओ एच, इसे पढ़ते हैं, एक कार्बन होता है तो मीथेन, तो मीथेन, और ई हटा दिया यहाँ से और लगा दिया ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ठीक। इसी तरह के दो कार्बन ले लीजिए, अब दो कार्बन ले लिए, एक में इस तरीके से ऐसे, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये तो है भाई, देखो ऊपर ये है, वो देखो ग्रुप लगा हुआ है, इसको बैलेंस कर दो, इसमें एच लगा दो। अब ये दो कार्बन वाला हो गया, तो दो कार्बन वाले क्या बोलोगे, इथेन है ना, सिंपल सी बात है, इथेन ई होता है, ई हटा दो क्योंकि आपने तो ग्रुप लगाया ना इसमें, तो ग्रुप का नाम आएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड, ठीक। इस तरह से तीन कार्बन वाला ले लो। अच्छा, इसको अगर आपको कंडेंस फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, सी एच थ्री सी ओ ओ एच है ना, इथेनोइक एसिड, ये तो आपने देखा भी होगा, विनेगर है, इसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तीन कार्बन वाला ले लीजिए, फिर से वही काम। अच्छा, ये ग्रुप लगाएंगे, ये हम शायद टर्मिनल कार्बन पर ही लगाएंगे, है ना, साइड वाले कार्बन होंगे उन पर ही लगाएंगे, ये है ये ग्रुप था जो अल्कोहल ग्रुप थे, अल्कोहल को तो मान लीजिए आप बीच में भी लगा सकते हैं, है ना, वो अलग कंडीशंस हैं। ये वाले जो ग्रुप हैं जैसे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पर ही लगेंगे, टर्मिनल का मतलब है ना किनारे वाले जो कार्बन है उन पर ही लगेंगे। अब तीन कार्बन है बच्चों, है ना, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इनकी बनाने की प्रैक्टिस किया करें आप लोग, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा समझ में। तीन कार्बन क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन होना चाहिए, है ना, ई हटा दिया क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो ओइक और एसिड, इस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिख लें, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच, है ना, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच, इस तरह से लिख लें आप, है ना। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और शॉर्ट कर सकते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तीन नहीं आप दो लीजिए पहले, एक दो, दो कार्बन ये लीजिए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, थ्री टू फाइव, और साथ में लिख दिए सी ओ ओ एच, इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से, है ना, आ रहा ना समझ में, ठीक। अब एक और बचा है लास्ट, वो है आपका कीटोन ग्रुप। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस चाहिए, मैंने आपसे पहले बोल दिया, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीटोन ग्रुप पे स्पेशल ध्यान दीजिए आप, ये थोड़ा सा अलग है और बहुत आसान है इसको पहचानना, कीटोन ग्रुप को पहचानना बहुत आसान है। ये ऐसा दिखता है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा होता है केवल, और दो बॉन्ड इधर उधर, है ना, इसको कीटो ग्रुप कहते हैं, और लास्ट में सफिक्स में ओ एन ई लगाते हैं, ओ एन ई वन, है ना, इसको वन पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन जब लगा देंगे तो ओन पढ़ेंगे। अब देखिए, कीटोन ग्रुप शुरू होता है तीन कार्बन से, बाकी जितने थे वो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहे थे, ये तीन कार्बन से कम में स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक इधर जुड़ेगा, एक कार्बन इधर जुड़ेगा, ये बीच में रहता है हमेशा, ये कभी भी टर्मिनल पर नहीं लगेगा, कीटोन ग्रुप कभी भी किनारों पर नहीं लगते हैं, हमेशा बीच में होंगे, तो तीन कार्बन मिनिमम चाहिए आपको। अब आपको ये ग्रुप लगाना है तो बीच वाले पे लगाओ, ये लो, लग गया ना, एक दो तीन चार, बैलेंसी पूरी है इनकी, कर दो, एक इधर भी कर दी, ठीक है, तीन कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए, चलिए प्रो पे न, और ई भी लगता है, ई हटा दो, क्या लगाना है, ओ एन ई, तो इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोपेनोन, क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनोन। नेक्स्ट चार वाला ले लो, कहीं भी लगा दो, चाहे इस पर लगा दो, चाहे इस पर नहीं लगा सकते आप, टर्मिनल पर
नहीं लगा पाएंगे। आप इस पर लगा, इस पर भी नहीं लगा सकते, इस पर भी नहीं लगा सकते, इन दोनों में से कहीं भी लगा दो। चलो मैंने यहाँ लगा दिया, फिर इनको बैलेंस कर दो, 1, 2, 3, 4 इसकी बैलेंस। इसको देखो, 1 पहले से ही है इसके पास, 2, 3, 4 है ना, ये 4 हो गया। इसको देखो, 1, 2, 3 और एक 4, इसकी ऑलरेडी 4 है ना, 2 ये लगी, 1 4 है ना। क्या नाम होगा? ब्यूटेन, अब ओ एन ही लगा दो, है ना, सिंपल ब्यूटेनॉल, है ना। इसका कंडेंस फॉर्म कैसे होगा? CH3CO CH2 CH3। देखो CH3, सी के साथ 3H लगे, सी के साथ 2H लगे हैं, सी के साथ O लगा हुआ है, CO, सी के साथ फिर से 3H लगे, CH3, इस तरह से, है ना, इस तरह से, बात समझ रहे हैं? तो ये आप ऐसे लिख लेंगे। और देख लो, आप बनाना चाहो 5 कार्बन का, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 कार्बन का कीटोन का फॉर्मूला लिखें, आप स्ट्रक्चर बनाएं, तो ऐसे 5 कार्बन लिख लो। कीटोन याद रखें, हमेशा बीच वाले कार्बन पे ही लगेंगे, टर्मिनल पर मत लगा देना। अगर आपने टर्मिनल पर लगा दिया डबल बॉन्ड हो, तो फिर वो कीटोन नहीं रहेगा, फिर तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, फिर वो जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप की कैटेगरी में चला जाएगा, वो कीटोन नहीं रहेगा। तो इसीलिए बीच में कहीं भी लगा दें आप, जहाँ भी अच्छा करें, ठीक है, लगा दिया। अब क्या है, बैलेंस करना है आपको, करिए। अब तक तो आप सीख गए होंगे कि कार्बन की बैलेंसी को पूरा कैसे करना है, हाइड्रोजन लगाकर, 1, 2, 3 और एक 4, तो पहले से ही। इसकी देखो, इसके साथ 2 लगे हुए हैं, एक ये, तो 2 चाहिए। इसके साथ देखो, 2 तो नीचे हो गए, 3, 4 पूरे हैं। इसके साथ ऊपर नीचे एक एक लगा दो, इसके साथ भी लगा दो, ऐसे। क्या नाम हुआ इसका बताओ, सभी लोग बताएं इसका नाम, बताएं, चलो कमेंट बॉक्स में नाम लिखें फटाफट, क्या नाम है इसका, लिख कर बताएं सभी लोग। 5 कार्बन है, वेरी गुड वेरी गुड, पेंटेनोन, वेरी गुड। पेंटेन लिखो और ई हटा के ओन लगा दो, ओ एन ई, है ना, पेंटेनोन, वेरी गुड, नाइस, है ना। नॉर्मली आपको नाम दे दिया गया और बोला गया स्ट्रक्चर बनाओ, तो भी आप बना देंगे, आपसे बोला गया पेंटेनोन, आपने पेंटेन समझा, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, है ना, तो आप वहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये एक बहुत शॉर्ट तरीका मैंने बताया है, एक बेसिक्स बता दिए हैं, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जब तक आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, ओके।